Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and doing well at your homes. Students, today we are going to learn about science. But before starting our work, first we recite dua together. Rabbi Sidni Ilma. Eh mere Rab, mere ilme izafa farma. Okay students, this is your mathematics book. Let's open page number 55 with me. Students, this is your page number 55. Our today's topic is healthy and junk food. It's revision. ठीक है, मैंने आप लोगों को हेल्दी एंड जंक फूड बताया था. हेल्दी फूड वो होता है जो हमें खाना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा होता है. और स्टूडेंट्स, जंक फूड वो होता है जो हमें नहीं खाना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता. ठीक है, तो आज हम हेल्दी एंड जंक फूड के बारे में पढ़ेंगे. तो बच्चों, इसमें आप लोग अपने पिंक बॉक्स में, आपकी बुक में पिंक बॉक्स ऊपर बना हुआ है, इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है, डू यू नो सम ऑफ द फूड्स दैट आवर बिलव प्रॉफिट खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक टू ईट. बच्चों, आप लोगों को पता है इसमें से कुछ फूड्स ऐसे हैं जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थे, वो बहुत शौक़ से खाते थे. ठीक है, वो खातिबुन नबीन है, हमारे आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि उनको कौन कौन सी चीज़ें पसंद थी, वो कौन कौन सी चीज़ें शौक़ से खाते थे. तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उनको कौन कौन सी चीज़ें पसंद थी, और फिर वो आप लोग भी खाइएगा. ठीक है, आप लोगों को भी वो खानी चाहिए, क्योंकि वो तो हेल्दी फूड होगा ना जो उनको पसंद होगा. तो अब आप भी खाया करिए. ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ. तो बच्चों, ही लाइक टू ईट हनी, हमारे नबी को शहद खाना पसंद था. ही लाइक टू ईट पम्पकिन, उनको पम्पकिन खाना पसंद था. पम्पकिन कद्दू को कहते हैं. ठीक है, ही लाइक टू ईट पम्पकिन. ही लाइक्स टू ईट डेट्स, उनको खजूर खाना पसंद था. एंड ही लाइक टू ड्रिंक मिल्क, और उनको दूध पीना पसंद था. तो बच्चों, ये सब हेल्दी फूड्स हैं ना, तो आप लोगों ने भी अब ये फूड्स खाने हैं. ठीक है, क्योंकि ये हेल्दी होते हैं. डियर चिल्ड्रन, यू शुड ऑल्सो ईट हेल्दी फूड लाइक अवर बिलव प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं. टिक ऑल द हेल्दी फूड आइटम्स एंड क्रॉस ऑल द जंक फूड आइटम्स. जो हेल्दी फूड है उसको टिक करना है, और जो जंक फूड है उसको क्रॉस करना है. ठीक है, तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आइसक्रीम है. आइसक्रीम जंक फूड है, क्रॉस कर दिया. उसके बाद फ्रूट्स, फ्रूट्स हेल्दी फूड है, टिक कर दिया. ठीक है, इसके बाद है मीट. मीट तो हेल्दी फूड होता है, इसको भी टिक करेंगे. उसके बाद हमारे पास केक है. केक जंक फूड होता है, इसको क्रॉस करेंगे. उसके बाद हमारे पास है फिजी ड्रिंक्स. फिजी ड्रिंक्स जंक फूड हैं, इसको भी हम क्रॉस करेंगे. उसके बाद हमारे पास पिज्ज़ा है. पिज्ज़ा जंक फूड होता है, इसको भी क्रॉस करेंगे. उसके बाद हमारे पास है एग्स. एग्स हेल्दी फूड है, इसको टिक करेंगे. उसके बाद है हमारे पास चिप्स. चिप्स तो जंक फूड है, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया. उसके बाद है मिल्क. मिल्क तो हेल्दी फूड है, इसलिए इसको टिक करेंगे. उसके बाद है हमारे पास वेजिटेबल्स. वेजिटेबल हेल्दी फूड है, इसलिए इसको टिक करेंगे. उसके बाद हैं कैंडीज एंड चॉकलेट्स. जंक फूड, इसलिए इसको क्रॉस करेंगे. उसके बाद है लास्ट में हमारे पास ब्रेड. ब्रेड हेल्दी फूड है, हमें खाना चाहिए, इसलिए इसको टिक करेंगे. तो बच्चों, इस तरह हमने अपना पूरा पेज कंप्लीट कर दिया. आप लोगों ने मम्मा की हेल्प से ये पेज कंप्लीट करना है. ठीक है, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.